गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इमरान खान, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, टुडे का जो लुक है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लैमर का लुक है। आई जस्ट होप आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोज टोनर यूज़ किया है जो कि जोविस ब्रांड का है। सो गाइज, अगर आप टोनर लेना चाहते हैं तो आप इस ब्रांड के भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टोनर है गाइज। सो गाइज, टोनिंग हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बिकॉज ये हमारे फेस के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। सो आप बिना टोनिंग किए कोई भी मेकअप स्टार्ट ना करें। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नायका से सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। सो आज का जो मैं मेकअप करूँगी सारे ब्रांड नायका के ही यूज़ करूँगी मैं, ताकि मैं आप लोग को रिव्यू दे सकूँ कि ये जो ब्रांड है ये कैसा है। सो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एंड तक बने रहेगा। सो गाइज, जो ये प्राइमर था ना गाइज, इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये बहुत ही स्मूथ सा फ्लॉलेस सा बेस देता है आपको, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में आप देखेंगे कि मेरे जो मैंने इस ब्रांड से मेकअप किया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आप ये जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं ना, आप ज़रूर मंगाइएगा। सो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे नायका का ही स्किन जीनियस वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कंसीलर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी नीड थी कंसीलर की। सो अगर आप कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं, करेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। सो ये जो फाउंडेशन है वो सारे टोन में अवेलेबल है, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। और ये जो फाउंडेशन की बात करूँ गाइस, बहुत ही स्मूथ, मतलब ये ना इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है कि आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि कई कई फाउंडेशन होते हैं ना थोड़ा केकी सा हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होता, आपकी स्किन में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन ब्रश का यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ नहीं है तो आप अपने हाथ से भी अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैंने अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। सो गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, ला सकूँ, और बहुत ही नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में मेरा फाउंडेशन जो है कि ब्लेंड हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं। और बहुत ही कवरेज की बात करूँ गाइस इस फाउंडेशन की, तो बहुत ही अच्छी कवरेज थी। मेरा मेकअप बहुत देर तक स्टे किया था। सो आप ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं, आप मेरे पुराने वीडियो में जाके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे नायका का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है गाइस, आप चाहे तो इस कॉम्पैक्ट को मंगा सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा नया कॉम्पैक्ट लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको ज़रूर परचेस करिएगा। एंड इस कॉम्पैक्ट की बात करूँ तो इसमें SPF इंक्लूडेड है, जैसा कि मैं अपने पिछले रिव्यू वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। सो अगर आप धूप में जा रहे हैं, अगर आपने SPF नहीं लगाया है, तो आप ये कॉम्पैक्ट लगा के भी जाएंगे तो आपका फेस जो है धूप से टैन होने से बच जाएगा। एंड बहुत ही स्मूथ फिनिश है गाइस, मतलब मैट फिनिश है, और बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ये कॉम्पैक्ट भी। इसे देखिए, मैंने इसी से ही अपना पूरा फाउंडेशन का जो बेस है उसको सेट कर लिया है। सो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे नायका की मिनी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने लिपस्टिक ऑर्डर की है। सो ये जो लिपस्टिक है ना गाइस, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इस लिपस्टिक से ही अपना आई शेडो कम्प्लीट किया है, ब्लशर कम्प्लीट किया है, एंड लिपस्टिक भी कम्प्लीट की है। सो ये जो मिनी लिपस्टिक है ना, आप इसको छोटा मत समझिएगा, ये एक लिपस्टिक आपकी मतलब पूरे मेकअप को चेंज कर सकता है। सो ये वाली जो लिपस्टिक है गाइज, हाईली रिकमेंडेड कर रही हूँ कि आप इस लिपस्टिक को ज़रूर मंगाइएगा, क्योंकि इसके जो सारे शेड्स हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, और ये ना लिप्स में लगाने के बाद लिप्स ड्राई भी नहीं होती है। सो सी देखिए, मैंने अब इसको आइज़ पर अप्लाई किया और ये इतनी ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है गाइज। मतलब अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं मेकअप करके, तो सो अगर आप चाहते हैं कि मेरी थोड़ी सी आई पिंकिश दिखे, हल्की सी लाइट दिखे, सो आप ये वाला लिपस्टिक से आई शेडो कम्प्लीट कर सकते हैं। सी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही ईजी वे में से ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और मुझे पिंक चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे सेट कर सकते हैं। मैंने हल्का सा लाइट शेड में ही इसे ब्लेंड किया हुआ है, एंड इसमें ना थोड़ा सा मेटेलिक थोड़ा सा टच देता है ये, मतलब उस टाइप का लुक देता है शिमरी साइड सा। सो आपका जो आई बेस है ना वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आप ये वाला लिपस्टिक है जो ज़रूर ऑर्डर करिएगा, लिंक आपको मेरे लास्ट वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सी देखिए, बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा है। सो नेक्स्ट, मैं अब इसी लिपस्टिक से ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए, हमें ब्लशर के लिए जस्ट हाईली पॉइंट पर अपने चिक्स बोन पर अच्छे से लगा लेना है। मैंने इसे अपने दोनों चिक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड थोड़ा सा टिंट में नोज़ पे भी लगाऊंगी।
एंड मैं ब्रश की सहायता से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा गाइज, मतलब बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है ये, छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा। मतलब इसका ना जो शेड है ना मुझे बहुत प्यारा लगा, और ऊपर से लाइट शेड देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। सी देखिए आपको जितना नीड है, अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा की नीड नहीं थी क्योंकि डे मेकअप लुक था ये, सो हल्का हल्का ही जितना हम लाइट रखेंगे उतना ही हमारा जो मेकअप है बाद में फ्लॉलेस लगता है और बहुत ही अच्छा ग्लो सा डेवी सा लगता है। सी यहाँ पे देखिए मेरा ब्लशर कम्प्लीट हो गया है। अब मैं नायका का काजल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने काजल मंगाया हुआ था। काजल की बात करूँ गाइस तो ये बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। प्लस आपका ये ना वाटरप्रूफ है, मतलब बहुत देर तक स्टे करता है आपके आईज़ पे, ये फैलता नहीं है। बिकॉज़ मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली है, कई कई काजल्स क्या होते हैं ना नीचे फैल जाते हैं तो अजीब सा ब्लैक ब्लैक दिखता है, बट ये काजल बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हैं। एंड इसी काजल से मैं अपना आईलाइनर पे फिल कर रही हूँ, सी आप देख सकते हैं, आपको जस्ट इसी से ही अपना लाइनर भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा आईलाइनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये वाला जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं कम रेंज वाले आप उसे मंगा सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही सस्ते रेट में है और बहुत ही अच्छा मेकअप कवरेज भी है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच भी देता है, मेकअप आपका बहुत ही प्यारा दिखता है। सो आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सी देखिए मैंने आईलाइनर कंप्लीट कर लिया है। सी आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे नायका का कर्ल पावर वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा की बात करूँ गाइज, मैं मस्कारा बहुत कम यूज़ करती हूँ, सो ये वाला जो मस्कारा है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका जो लास्टिंग है वो भी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। सो आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइज आई जस्ट होप आप लोग को ये लुक पसंद आ रहा हो, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए ताकि मैं न्यू अपडेट जल्द से जल्द आपको करते रहूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो को डिफाइन करने के लिए ग्लैम 21 का आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास पेंसिल वाला जो भी होगा आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आईब्रो डिफाइनर नहीं है तो भी आप अपने आई शेडो पैलेट से भी, अगर कोई ब्राउन शेड होगा तो उससे भी अपने आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम इस पोली की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो पूरा ब्लेंड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइज, और ये जस्ट मुझे 99 रुपीज़ में मिला था। और इस हाइलाइटर की बात करो तो ये क्रीमी फॉर्म में है एंड बहुत इजी वे में ब्लेंड हो जाता है, आपको बस फिंगर्स की सहायता से इसे अच्छे से लेना है एंड ब्रिज ऑफ द नो चीक बोन्स ब्रो बोन एंड अपने क्यूपिड्स एरिया जो जो आपको पार्ट आपको हाइलाइट करना है वहाँ पे लगा के जस्ट फिंगर्स से ही आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जा रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइलाइटर रख सा दिया हो मैंने। सी आप देखिए ब्रो बोन पे मैंने हल्का सा लगाया और इसे फिंगर्स की सहायता से ब्लेंड कर लिया है। सो आप ये वाला हाइलाइटर ले सकते हैं अंडे मेकअप लुक के लिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है ताकि आपका हाइलाइट भी करे एंड ओवर सा ना लगे। सो बहुत ही अच्छा हाइलाइटर था गाइस, आप इसे भी ले सकते हैं। सी नेक्स्ट मैं यहाँ पे नायका की जो मिनी लिपस्टिक मैंने अपने आईज़ और ब्लश के लिए यूज़ किया था, सो अब मैं उसे लिप्स पे यूज़ कर रही हूँ। सी आप देख सकते हैं लिप्स पे मैंने इसे लगाया है गाइस, ये बिल्कुल भी ना, मतलब जो कई मैट लिपस्टिक क्या होती है ना आपका लिप्स थोड़ा ड्राई सा खींचा खींचा सा लगता है, ये बहुत ही स्मूथ सी लिपस्टिक है गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा है, आप इसे चाहें तो मंगा सकते हैं। एंड डे मेकअप लुक के लिए हम कभी सोचते हैं ना बोल्ड सा लिपस्टिक लगा के ना जाए, मतलब हैवी सा जैसे कि रेड आपका मरून शेड हो गया, ये जो लिपस्टिक है लाइट शेड है, बहुत ही अच्छा है, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, सो आप उसे मंगा सकते हैं। सी आप देखिए बहुत ही अच्छा लाइट सा लग रहा है। सो गाइज लास्ट में मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी नहीं कर सकते, बट मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए हमें मेकअप फिक्सर का यूज़ करना ज़रूरी रहता है। सो मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर कर लिया है एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक, आप चाहें तो आप
जिस हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एंड ईयर रिंग्स डाल सकते हैं, आपको जैसा रहना है वैसा रह सकते हैं। सो डे मेकअप लुक के लिए ये वाला लुक जो है बहुत ही अच्छा है। सो गाइज, आई जस्ट होप आप लोग को ये लुक पसंद आया हो और मैं ऐसी छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आप लोग के लिए मेकअप लुक लेते आऊँगी ताकि आप लोग ईजी वे में हैक वीडियो सारी चीज़ें सीख सकें मेरे से। एंड बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ। सो गाइज, ऐसी प्यारे प्यारे वीडियोज़ के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड बाय बाय गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।